तो सुबह ब्रेकफास्ट में है यहाँ पे चाउमीन। तो फ्रेंड्स अंदाजा लगाइए ये क्या हो सकता है, ठीक है? और जल्दी से आइए वीडियो में, आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत नई यूनिक रेसिपी। ओके हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ गाइस। तो फ्रेंड्स सुबह के टाइम पे यहाँ पे बना रहे हैं ब्रेकफास्ट में आज संडे स्पेशल चाउमीन। तो यहाँ पे सबसे पहले ये है, आप देख सकते हैं, गाजर, बीन, हरी मिर्च और प्याज, यहाँ पे शिमला मिर्च कट करके मैंने रख दिया है इस तरीके से, और यहाँ पे रख दिया है पानी उबलने के लिए। अब डाल दो उसमें नूडल्स, फिर दिखाऊंगी आपको बाद में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी चाउमीन बन के रेडी है, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और फटाफट खा लेते हैं, पर और आज ना पूरे दिन का दिखाऊंगी आप सभी लोगों को, ठीक है? और वीडियो बने रहिए अंत तक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज मैं बनाने वाली हूँ शाम की सब्ज़ी में बेसन के गिट्ठे, जो राजस्थानी बहुत फेमस सब्ज़ी है, लेकिन मैं सिंपल तरीके से बनाऊँगी। ना ग्रेवी बनती है वो दही की बनती है, तो मैं सिंपल जैसे सब्ज़ी बनती है सिंपल वैसे बनाऊँगी, पूरा तो नहीं, फटाफट से समझा देती हूँ। सबसे पहले मैं जैसे ही मैंने बेसन डाला, बेसन के बाद मैंने कस्तूरी मेथी डाल ली, कस्तूरी मेथी के बाद यहाँ पे थोड़े से अजवाइन डाल लें आप अपने हिसाब से, ऐसे मरोड़ के थोड़ी सी अजवाइन, और उसके बाद हल्के से मसाले, जो भी बेसिक मसाले आप लोग घर में खाते हैं आप डाल लें, और अपने स्वाद के अनुसार डालें, ज़्यादा नहीं। जैसे मैंने नमक डाला, यहाँ पे मैंने धनिया डाल लिया है, और यहाँ पे हल्दी डाली, यहाँ पे थोड़ी सी मिर्ची डाली है क्योंकि मेरी बेटी भी खाएगी तो उसको मिर्ची ज़्यादा लग जाएगी करके, और इसमें थोड़ी सी दो बूंद ऑयल। तो फ्रेंड्स जब ऑयल की बात आ रही है तो मैंने सोचा ऑयल की जगह थोड़ा सा घी डाल लूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, इतना घी हो गया, ठीक है? और इसको क्या करना है, हमें अच्छे से टाइट टाइट और सॉफ्ट बिल्कुल गूंथ लेना है। पहले इसको इस तरीके से हम मिक्स करेंगे, अब हल्के हल्के हाथों से थोड़ा टाइट टाइट गूंथेंगे, ठीक है? इस तरीके से जैसे आप आटा गूंथते हो वैसे ही गूंथना है आपको, बस इतना ध्यान रहे ज़्यादा गीला ना हो पाए, बस ये टाइट ही होना चाहिए और सॉफ्ट गूंथना चाहिए ताकि जैसे हम इसको उबालें ये टूटे ना या फिर पिघल ना जाए उसमें। तो गूंथते गूंथते आप देख सकते हैं फ्रेंड इस तरीके का मैंने बना दिया है, आप देख लीजिए, ये देखिए, एक तो सॉफ्ट और दूसरा टाइट, ठीक है? और इसको ही मैं इसी तरीके से इसी में लंबे लंबे आकार इनके दे देती हूँ, जैसे ही पानी बहुत ज़्यादा उबालूंगी और वैसे बीच में इनको डाल दूंगी। तो इस तरीके से जैसे आप कर रहे हो ना इसको करते रहो, ताकि पतले पतले बनाना है मुझे, थोड़ा मोटे बनाऊंगी तो अंदर तक अच्छे से पकेगा नहीं बेसन, उबालना पड़ता है सबसे पहले इसको। तो यहाँ पे मैं पहले इसको आधा तोड़ लेती हूँ इस तरीके से, पहले एक को बनाती हूँ प्रॉपर। और इसकी सब्ज़ी ना जैसे राजस्थान में बनती है वो बहुत टेस्टी बनाते हैं वो लोग, दही में सब कुछ ऐड करके, सारे मसाले दही में ऐड करके तो बनाते हैं वो लोग। और सब्ज़ी की तरीके से भी बना सकते हो आप, जैसे मैं बनाऊंगी अभी, सबसे आसान तरीका सब्ज़ी की तरह मेरे को वही अच्छा लगता है, और जो राजस्थानी या अलग लोग बनाते हैं अपने अपने उसमें वो और अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि वो अच्छी नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से इस तरीके से बना रही हूँ उनको। यहाँ पर देखिए पहले कितने छोटा सा लग रहा था ना कि उसके कितने ही बन पाएंगे करके, अब देखिए कितने सारे बन गए हैं। उबालने में इनको आसानी होगी इसलिए मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, ये देखिए, मतलब आराम से चार लोगों का सब्जी बन जाएगी इससे, ये देखिए। इस तरीके से आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है? ये टूटने वाले नहीं है, एक तो टाइट गूंथा है मैंने और दूसरा सॉफ्ट गूंथा है, ये देखिए, ये देखो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं आप खोलता हुआ पानी, और इसमें ही डाल लेती हूँ मैं, ये देखिए इस तरीके से अपने आप ये पक जाएंगे, ठीक है? ये देखिए, और यहाँ पे रख देती हूँ मैं ऊपर से ढक्कन, मैंने फटाफट से इंडक्शन ही गर्म किया इसी में, और जैसे ही मैं ढक्कन मैंने इस तरीके से रख दिया अपने आप उबल, तो यहाँ पे ये उबलने के लिए रख दिया है। अब आते हैं इसके मसाले बनाने पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लहसुन, दो हरी मिर्च और दो टमाटर चाहिए थे, पर अभी टमाटर एक ही है, और दो प्याज हो गए, बारीक चॉप करके कट करना पड़ेगा प्याज को। ये
तो यहाँ पर दो 5 से 6 मिनट लगते हैं बस। ये देखिए अच्छे से उबल गए हैं, मतलब अंदर से स्टीम अच्छे से हो चुके हैं वो। ये देखिए इनमें बबल्स टाइप के उठे हैं ना, इसका मतलब ये पक चुके हैं। तो मैं इसी पानी में इनको छोड़ देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये अच्छे से पक चुके हैं। मैंने फिर से यहाँ पे ढक्कन रख दिया है। अब मैं अपना प्याज वगैरह कट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना ये निकाल लिए हैं, ठीक है। इनको कट कर लेती हूँ और आपको बता दूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये पक चुके हैं, ठीक है। और कट भी बहुत अच्छे से जा रहे हैं। यहाँ पे सारे जो गिट्टे हैं मैं इनको ऐसे कट कर लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से गिट्टे बना दिए मैंने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रख दिया है मैंने तेल, जो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो इसमें डाल देती हूँ ये गिट्टे। इसको आपको इस तरह हिलाना है, थोड़ी देर इसी में फिर इनको निकाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके की टाइट टाइट हो गए हैं, पकौड़े की तरह हल्के फूल भी गए हैं ये। तो अब इनको निकाल लेती हूँ। ये देखिए इस तरीके से निकाल लिए ना, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। इसमें मैंने वो डाला था ना कस्तूरी मेथी, तो कस्तूरी मेथी की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है मुझे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल और डालती हूँ और जीरा, और उसके बाद फटाफट से अपने जो भी चीज़ें हैं, ये लहसुन, प्याज, प्याज को जब तक हल्का सा सौंधा स्वाद ना आ जाए, उसका खुशबू ना आ जाए, तब तक आपको हिलाते रहना है। क्योंकि प्याज ही ऐसी चीज़ होती है जो सब्ज़ी को ज़्यादा टेस्टी बनाती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने जितनी बार भी ध्यान दिया कि प्याज कभी कच्चा रह गया तो अजीब सी सब्ज़ी बन जाती है। अगर प्याज अच्छे से भुना हो ना तो वो तेल में सारा स्वाद चला जाता है प्याज का, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से हमारे क्या प्याज इस तरीके से भून चुका है। अब इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च के बटकरी को वो डाल दिया। इसको भी पकने देती हूँ। यहाँ पे हल्का सा पानी डाल लेती हूँ और हल्का नमक, मसाले यहीं पे डाल देती हूँ मैं, फिर अच्छे से पका लूँगी उसको, पूरे मसालों को। ये देखिए धनिया मिर्च कम डाली मैंने, हल्दी, और इसको इस तरीके से, क्योंकि जैसे ही आप मसाले डालते हो ना टमाटर गलना शुरू कर देता है। ये देखिए इस तरीके से मैं मसाले पकाती हूँ। इसमें गाइस मैं आधा ग्लास जितना पानी ऐड करूँगी, जिस पानी में मैंने वो बेसन के गिट्टे बना के उबाले थे वही पानी उसमें डाल दूँगी, और थोड़ी देर ना इसको पकने के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। मसाले भी पक जाएंगे, पानी भी, लास्ट में गिट्टे डाल। तो यहाँ पे 5 मिनट के बाद में देखती हूँ मसाले पक चुके हैं नहीं। ये देखिए अभी थोड़ा सा और लगेगा समय, अच्छे से जब तक मिक्स नहीं हो जाते एक दूसरे में और पानी थोड़ा कम नहीं हो जाता, बस 2 मिनट और लगेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये अच्छे से मसाले पक चुके हैं और मैंने इसमें डाल दिए जो गिट्टे मैंने उबाल सॉरी फ्राई करके पहले से ही रखे हुए थे। ये देखिए इस तरीके से, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी मैं, क्योंकि गिट्टे पकने के लिए थोड़े से 5 मिनट तो लगेंगे, वैसे तो पक ही चुके हैं वो।
पर लेकिन मसाला अंदर तक जाना चाहिए, थोड़ा अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो इसलिए अब ढक्कन रख के 5 मिनट बाद देखूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी सब्जी बनके रेडी हो गई है, देख सकते हैं अच्छे से, मतलब इसके अंदर तक मसाले चले गए हैं और एक एक टुकड़ा अच्छे से पक चुका है, सारे मसाले एब्जॉर्ब हो चुके हैं उसके अंदर, देखिए फूल भी गए हैं। और यहाँ पे बहुत ही लजीज लगे एकदम से, सिंपल है और बहुत टेस्टी। तो अगर ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, वो बहुत ही जल्दी बनने वाली सबसे आसान तरीका है गिट्टी की सब्जी बनाने का।